सोमनाथ। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर का 12 ज्योतिर्लिंगों में काफी महत्व है। इस मंदिर को अतीत में 6 बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसका अस्तित्व आज भी है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त होने के बाद स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर का महत्व दूसरे सभी ज्योतिर्लिंगों से अधिक है। माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है और इसकी सभी शक्तियों का स्रोत वह स्वयं है, जबकि बाकी सभी ज्योतिर्लिंग मंत्र शक्ति के आधार पर स्थापित किए गए हैं। बैद्यनाथ। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। देवघर यानी देवताओं का घर। यह ज्योतिर्लिंग सिद्ध पीठ है, यानी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहीं पर शिव के अनन्य भक्त रावण ने उनकी आराधना की थी और उन्हें खुश करने के लिए अपने 9 सिरों की आहुति दी थी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की भी काशी विश्वनाथ जैसी ही मान्यता है। भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले यहीं पर भगवान शिव की पूजा की थी। यहीं पर रामेश्वरम सेतु भी स्थित है। त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक प्रांत में स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसी के निकट स्थित ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्यम होता है। यह इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहां त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात शिव वास करते हैं। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ शिव का वास माना जाता है। केदारनाथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है, बल्कि 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण इसे अप्रैल से नवंबर माह में ही दर्शन के लिए खोला जाता है। ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर शिवपुरी नामक एक टापू पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहा जाता है कि इस टापू का आकार ओम की तरह है और स्वयं नर्मदा के कटाव से इसका यह आकार बना है, इसीलिए इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। इसका मूल नाम मानधाता है। यहाँ ओमकारेश्वर और अमरेश्वर नाम के 2 मंदिर हैं, जिनमें नियमित रूप से पूजा की जाती है। धृष्णेश्वर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास धृष्णेश्वर या धृष्णेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यह मंदिर इलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा के नाम पर ही इसका नाम धृष्णेश्वर पड़ा है। मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर को श्री शैल के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि इस मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार है। इस मंदिर में भगवान शिव समेत उनके समस्त परिवार, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश का भी वास माना जाता है। नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारिका प्रांत में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा जाता है कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इसी मंदिर के पास से भीमा नामक एक नदी भी बहती है जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। काशी। काशी विश्वनाथ। काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है।